नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फैक्ट्स एंड टैक्ट्स में। इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि चीन में जैसे ही कोरोना वायरस का कहर खत्म हुआ, वहां पर एक और वायरस जिसका नाम हंता वायरस है उसने दस्तक दे दिया है और अब तक एक शख्स की मौत भी हो चुकी है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये वायरस रैट्स यानी चूहों से होता है। तो क्या चीन एक और महामारी की ओर बढ़ रहा है? ये एकदम ब्रेकिंग न्यूज है जो आपको सिर्फ हमारे चैनल पर मिलती रहेगी और ऐसे ब्रेकिंग न्यूज के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जानते हैं इसके बारे में विस्तार से थोड़ा आगे। तो चलिए जानते हैं यहाँ ये फैला कैसे। डॉक्टर्स का कहना है कि ये रैट्स और छोटे छोटे जो परजीवी होते हैं उनसे फैलता है। तो क्या हम ये मान लें कि ये हंता वायरस चीन में फैल चुका है? क्या ये दस्तक दे चुका है? क्या कोरोना वायरस अभी तक जो खत्म नहीं हुआ उसके जाने के बाद ही हंता वायरस क्यों आ गया इस चीन में? इसके बारे में विस्तृत जानकारी तो अभी किसी के पास अवेलेबल नहीं है, पर आप चिंता ना करें, इस चैनल पर हम आपको सारी सच्ची घटनाएं ही दिखाते हैं और बहुत जल्द, जी हाँ बहुत जल्द इसके बारे में सारी डिटेल्स इस चैनल पर मैं अपलोड कर दूंगा। लेकिन उससे पहले आइए थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि हंता वायरस एक्चुअली है क्या। हंता वायरस एक ऐसा वायरस है जो कि रैट्स और छोटे परजीवियों से फैलता है और अभी की ब्रेकिंग न्यूज यही है कि चीन में ये फैलना स्टार्ट हो गया है। तो क्या हम ये मान लें कि दुनिया पर एक और वायरस का खतरा मंडरा रहा है? इस वायरस की विस्तृत जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारे पेज को, जिसके बारे में मैं आपको जानकारी कुछ दिन बाद दे दूंगा। लेकिन तब तक हम जरा ये जान लेते हैं कि आखिर इसकी शुरुआत कैसी हुई। डॉक्टर्स का कहना है कि इसकी शुरुआत अचानक हो गई जब एक रैट अचानक मर गया। डॉक्टर्स ने स्टडी किया कि एक वायरस है जो कि एक वायरल ग्रुप को बिलोंग करता है जहां से ये वायरस फैलना स्टार्ट हो गया। और अभी तक की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के अनुसार चीन में एक शख्स की मौत भी हो चुकी है। तो क्या हम ये समझ लें कि दुनिया एक और महामारी की ओर बढ़ रही है? क्या कोरोना वायरस का खत्म होने के कगार पर भी नहीं है और हंता वायरस शुरू कैसे हो गया? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो हमारे अर्थशास्त्रियों और डॉक्टर्स के ऊपर है। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। सबसे पहले जय हिंद जय